पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली नाना श्याओ मैन को रूम में ले जाती है और श्याओ मैन को उसके अंदर लॉक कर देती है। श्याओ मैन उससे डोर ओपन करने को कहती है। ली नाना कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें पे करना पड़ेगा जो तुमने किया है उसके लिए। श्याओ मैन कहती है, तुम फालतू मैस करना बंद करो और डोर ओपन करो। ली नाना कहती है, मैं कोई मैस नहीं कर रही, अब तुम मेरी मदद के लिए भीख मांगो तब जाकर मैं तुम्हें बाहर आने दूंगी। श्याओ मैन कहती है, ये मेरी गलती नहीं है कि यांग ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। ली नाना कहती है, तुम अभी भी मना कर रही हो, हर दिन मैं यांग के साथ बिताती थी पर मैंने एक बार भी उसे स्माइल करते नहीं देखा। मुझे उसकी बहुत चिंता होती थी कि कहीं तुम उसके लिए दोबारा कोई ट्रबल ना करो, पर उसने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। जोवान ऑलरेडी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम यांग को जाने क्यों नहीं देती। श्याओ मैन कहती है, ली नाना जब से तुमने यांग को डेट करना स्टार्ट किया है मैंने उससे बात तक नहीं की। ली नाना, मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है जब हमारा बॉयफ्रेंड किसी और गर्ल के साथ होता है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी तुम्हारे साथ। ली नाना कहती है, तो क्या तुम ये कह रही हो कि यांग बेवकूफ है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। श्याओ मैन कहती है, ऐसा नहीं है, पर ली नाना उसकी नहीं सुनती और श्याओ मैन को लगभग फ्रीज होकर मरने के लिए छोड़ जाती है। श्याओ मैन बहुत चिल्लाती है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। श्याओ मैन जोवान को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसे सिग्नल नहीं मिलते। श्याओ मैन को डेड बॉडीज देखकर डर लगने लगता है। इधर यांग श्याओ मैन से मिलने आता है यूनिवर्सिटी में और उसे कॉल करता है पर उसका फोन आउट ऑफ कवरेज रहता है, तो यांग वहीं रुककर उसका वेट करता है। उसी टाइम जोवान भी आनिंग को उसके घर छोड़कर श्याओ मैन को कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता, तो वो उससे मिलने उसके रूम पर जाता है। इधर श्याओ मैन फ्रीज होने से बचने के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है और सोचती है, जोवान तुम कहाँ हो, तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। इतना कहकर श्याओ मैन बेहोश हो जाती है। यांग लीना से श्याओ मैन के बारे में पूछता है। वो उससे कहती है, तुम्हें श्याओ मैन से क्या लेना, वो तो अपने बॉयफ्रेंड जोवान के साथ होगी। तभी जोवान भी वहाँ पहुँच कर लीना से श्याओ मैन के बारे में पूछता है। लीना कहती है, वो तुम्हारे साथ नहीं है, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है। उस टाइम जोवान और यांग दोनों को ही श्याओ मैन की चिंता होती है। तभी लीना को याद आता है और वो उन्हें बताती है कि ल्यूदा ने मुझसे कहा था कि ली नाना श्याओ मैन को अपने साथ डेड बॉडीज के रूम में लेकर गई है। ली नाना का नाम सुनते ही यांग डर जाता है और समझ जाता है कि श्याओ मैन के साथ कुछ गलत हुआ है। वो सभी भागकर श्याओ मैन के पास पहुंचते हैं और डोर का लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं। रूम में वो बेहोश श्याओ मैन को देखते हैं। जोवान श्याओ मैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। 12 घंटे बाद श्याओ मैन को होश आता है। जोवान श्याओ मैन के पास ही रहता है उसके होश आने तक। तभी ली नाना भागकर श्याओ मैन के पास आती है उसकी हेल्प मांगने के लिए क्योंकि यांग उसे डेड बॉडीज के रूम में लॉक करने वाला है। यांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि ली नाना ने श्याओ मैन को मारने की कोशिश की। यांग ली नाना से कहता है, तुमने श्याओ मैन के पास आने की हिम्मत भी कैसे की। ली नाना श्याओ मैन से सॉरी कहती रहती है। श्याओ मैन यांग से कहती है कि वो ली नाना को छोड़ दे। यांग कहता है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम उसे फिर भी डिफेंड क्यों कर रही हो। ली नाना कहती है, मैंने श्याओ मैन को मारने की कोशिश नहीं की, मैं बस श्याओ मैन से गुस्सा थी इसलिए मैंने ऐसा किया, पर मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। जोवान यांग से कहता है कि तुम ली नाना से जो भी बात करना चाहते हो बाहर जाकर करो क्योंकि श्याओ मैन को रेस्ट करना है। ली नाना श्याओ मैन से सॉरी कहकर भाग जाती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं सच में यांग उसे रूम में बंद ना कर दे। यांग जोवान से कहता है, मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ कि तुम श्याओ मैन के बॉयफ्रेंड हो ना कि आनिंग के, इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हें किसकी केयर करनी है। जोवान कहता है, तुम्हें मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। यांग कहता है, तो कल तुम आनिंग को उसके घर छोड़ने क्यों गए थे। श्याओ मैन कहती है, जोवान और आनिंग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उसके पैर में लगी हुई है इसलिए जोवान उसकी हेल्प कर रहा है, इसमें गलत क्या है। यांग श्याओ मैन को फूल कहकर चला जाता है। देन आनिंग जोवान को कॉल करती है पर जोवान उसके फोन कॉल्स इग्नोर करता है। ये श्याओ मैन देख लेती है तो वो उससे कहती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे और आनिंग को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाए। जोवान जाने से मना कर देता है पर श्याओ मैन उसे समझा कर आनिंग के पास भेज देती है। जोवान श्याओ मैन को छोड़कर आनिंग के पास पहुंचता है क्योंकि आनिंग की थेरेपी भी उसी हॉस्पिटल में होनी थी। उसी टाइम यांग हॉस्पिटल पहुंचता है श्याओ मैन के लिए लंच लेकर और वो जोवान को आनिंग के साथ देखता है तो उसे गुस्सा आता है और उससे कहता है, श्याओ मैन ने मुझसे जाने को कहा और तुम्हें वहीं रुकने को, तुम श्याओ मैन को इसी तरह ट्रीट करते हो।
ज़ौवान कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने की थेरेपी होने के बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा। यांग कहता है ठीक है। फिर यांग लंच लेकर श्याओ मैन के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो ज़ौवान पर ज्यादा ट्रस्ट ना करे, पर श्याओ मैन उसकी बात नहीं समझती क्योंकि उसे ज़ौवान पर विश्वास है और वो यांग को रूम में से जाने को कहती है। यांग चला जाता है पर बाहर कॉरिडोर में सडनली उसके चेस्ट पेन होता है। वो अपनी मेडिसिन ले लेता है जिससे वो ठीक हो जाता है। श्याओ मैन यांग की कही बात सोचती है और ज़ौवान को देखने जाती है। श्याओ मैन आनिंग और ज़ौवान को साथ में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी आनिंग सडनली गिरने वाली होती है तो ज़ौवान उसे पकड़ लेता है। आनिंग ज़ौवान को किस करती है। ये श्याओ मैन के साथ साथ यांग भी देख लेता है और वो सीधा ज़ौवान के पास जाता है क्योंकि वो श्याओ मैन को अपसेट नहीं देख सकता। यांग ज़ौवान से कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। श्याओ मैन अंदर आकर यांग को रोकने की कोशिश करती है। यांग कहता है श्याओ मैन तुमने अभी देखा नहीं यहाँ क्या हुआ। ज़ौवान कहता है श्याओ मैन जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यांग कहता है तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, और वो ज़ौवान को मारने वाला होता है। श्याओ मैन उसे रोकने के लिए धक्का दे देती है जिससे वो एक्सरसाइज मशीन पर गिरता है। उसके चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। श्याओ मैन को उसकी बहुत चिंता होती है पर वो ज़ौवान से भी गुस्सा होती है। ज़ौवान उसे समझाता है कि जो उसने पहले देखा वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं पता था कि आनिंग ऐसा करेगी, मैं तो बस उसे गिरने से बचा रहा था। श्याओ मैन पूछती है तो क्या तुम उसे अभी भी लाइक करते हो। ज़ौवान कहता है नहीं। श्याओ मैन ज़ौवान की बात पर विश्वास करती है और उसे माफ कर देती है। तभी अंदर यांग के रूम से डॉक्टर आते हैं। श्याओ मैन उनसे यांग की कंडीशन के बारे में पूछती है। डॉक्टर कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ यांग की बड़ी बहन आ जाती है और वो भी डॉक्टर से यांग की कंडीशन के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं उसकी हार्ट कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब हो गई है, वो डेंजर में नहीं है पर अभी बेहोश ही है। डॉक्टर के पास से श्याओ मैन और ज़ौवान को यांग की हार्ट डिजीज के बारे में पता चल जाता है जो वो श्याओ मैन से छुपा कर रखा था। देन डॉक्टर ज़ौवान और श्याओ मैन को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उन्हें यांग की हार्ट डिजीज के बारे में बताते हैं। श्याओ मैन कहती है यांग को हार्ट डिजीज है और मैंने उसे धक्का दे दिया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम खुद को ब्लेम नहीं करो क्योंकि तुम्हें उसकी डिसीज के बारे में नहीं पता था। ज़ौवान पूछता है कि यांग की डिसीज क्यों नहीं हो सकती। डॉक्टर कहते हैं सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट से ही एक तरीका है जिससे वो क्योर हो सकता है, पर उसकी सक्सेस रेट सिर्फ 50% है, पर मुझे नहीं पता कि वो क्यों हमेशा सर्जरी कराने से मना कर देता है। यांग को होश आ जाता है और वो श्याओ मैन को अपने पास मिलने बुलाता है और इसी के साथ पार्ट 15 एंड होता है।